नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल चैनल इन खबर। मैं अभिषेक पांडे इन खबर के माध्यम से लेके आया हूं आपके लिए आज दिन भर की 10 बड़ी खबरें। चलिए रुक करते हैं आज दिन भर की 10 बड़ी खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव से पहले नक्सली दहशत फैलाने में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के सालेघाट के जंगलों में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हो गए, इनमें से 1 जवान बाद में शहीद हो गया। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि वह मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदुओं के लिए भी कुछ नहीं किया, हिंदुओं के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने पूरे राज्य की जनता की भलाई के लिए काम किया, इसमें कभी हिंदू या मुसलमान का भेदभाव नहीं किया। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने ए सेट के मलबे को लेकर संभावना जताई है कि वह वायुमंडल में ही जलकर नष्ट हो जाएगा। भारत के ए सेट परीक्षण के 9 दिन बाद अमेरिका की तरफ से ये चौथा बयान आ चुका है। केरल के वायनाड में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने गए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के रोड शो के दौरान बैरिकेडिंग टूटने से 3 पत्रकार घायल हो गए। पत्रकारों को हल्की फुल्की चोटें आई, इसके बाद राहुल गांधी उन्हें खुद एम्बुलेंस तक लेके गए। भारतीय समुद्र के आसपास चीनी सेना की बढ़ती गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने पूरी तरह कमर कस ली है। अमेरिका से 24 एंटी सेमेरियन हेलीकॉप्टर खरीदने की तैयारी के बाद अब भारतीय नौसेना के लिए 45,000 करोड़ रुपए से 6 एडवांस पनडुब्बियां तैयार कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि बेहद घातक किस्म की ये पनडुब्बियां महत्वाकांक्षी सामरिक साझेदारी SP मॉडल के तहत तैयार की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरोहा और सहारनपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। पश्चिमी यूपी के पहले और दूसरे चरण की 16 सीटों के चुनाव को देखते हुए यह मोदी का दूसरा और तीसरी सभा होगी। शुरुआती 4 मैच गंवाने के बाद पहली जीत की तलाश में जुटी बेंगलोर की टीम शुक्रवार को कोलकाता के खिलाफ होने वाले इंडियन T20 लीग में मैच के लिए टीम में कई बदलाव कर सकती है और वहीं जीत की आशंका से RCB टीम उतरेगी। दबंग 3 की शूटिंग के दौरान शिवलिंग पर तख्त लगाने पर सलमान खान की हुई जमकर आलोचना, और बाद में सलमान खान को खुद इस बारे में सफाई देनी पड़ी। हाल ही में सोनाली बिंद्रे ने एक मैगजीन में किए फोटो शूट करवाया। इस दौरान उन्होंने अपने कैंसर के दिनों को याद करते हुए बताया कि किस तरह उन्होंने जीने और ठीक होने की उम्मीद को कभी नहीं छोड़ा था। सोनाली बिंद्रे ने कहा, मुझे सर्जरी और कीमोथेरेपी करवाते समय काफी तकलीफ हुई थी, लेकिन मरने का ख्याल मुझे कभी भी नहीं आया। मुझे पता था कि काफी संघर्ष करना होगा, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं मर जाऊंगी। दीपिका पादुकोण की अपकमिंग फिल्म छपाक का लुक कुछ दिन पहले ही सामने आया था। इस फिल्म में दीपिका एक एसिड अटैक पीड़ित लक्ष्मी का किरदार निभा रही है। वहीं अब दीपिका का इस फिल्म का दूसरा लुक सामने आया है, जिसमें वह दिल्ली के जनपद बाजार में नजर आई। तस्वीरों में दीपिका को पहचानना मुश्किल हो रहा है। आशा करता हूं कि आपको ये 10 बड़ी खबरें पसंद आई होंगी। अगर आपको खबरें पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।